इनको एडवांस ड्राइविंग स्किल सीखना हो इनके पास जाए। कल इससे 700 किलोमीटर क्लॉक कर दिए भाई। वी आर एट द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आधे एक घंटे में हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम वो मानो भी और समझो भी। हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। पूर्ण तक तो मैं कंफर्म होगी ऑफ रोडिंग है, आगे गोंगो रंजन भी पड़ेगा भाई, मजा आने वाला है। यहाँ पे देखो स्नो कटर क्या प्रभाकर फेंक देता है, इसके लिए गट्स चाहिए। गट्स भाई बहुत हार्ड वर्क है भाई। ये देखो भाई साहब कवर करके आए हैं और अभी अपन आके जिस्पा में स्टे ले लिए थे, अभी जाएंगे अपन डारचा बॉर्डर और फिर वहां से चेक पोस्ट पे अपना एंट्री करके टुवर्ड्स सिंगुला पास और सॉरी जांस्कर वैली। तो लेट्स मूव, अभी नाश्ता करते हैं। भाई लोग तो जाके बैठ चुके हैं वहां पे। इस लौंडे को देखो खाली कर निकल गए जाने के पराठे खाते कोई ना, डारचा में सब रुकल हो जाएंगे चेक पोस्ट वहाँ पे। वहाँ लंबा ट्रैफिक है, हम लोग पहुंचेंगे तो फिर निकल जाएंगे डायरेक्ट। इनको एडवांस ड्राइविंग स्किल सीखना हो इनके पास जाए। अच्छा ड्राइविंग आप बेसिक सीख लें, फिर उसके बाद अगर एडवांस सीखना है जैसे एक्सल होता है बेसिक एक्सल फिर एडवांस एक्सल सीखते हैं, तो बेसिक ड्राइविंग एक्सल सीख लीजिए फिर एडवांस ड्राइविंग एक्सल इनके पास आके सीख लीजिए। ओके थैंक यू। आपका गियर पकड़ के सिखाएगा ये। उनको हमारा गियर पकड़ना पड़ेगा। सालो अभी जाएंगे अपन डारचा, मैंने बताया भी आपको चेक पोस्ट पे एंट्री होगा फिर निकलेंगे अपन और वहाँ पे सुना है बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, सो निकलते क्योंकि लेह ओपन हो चुका है और दोनों रास्ता लेह का ओपन हो गया है। फर्स्ट वन इज सिंकुला टॉप होते हुए जो कि अपना एनपीडी रोड लेकर आप जा सकते हो जो कि नया बना है और अभी अपन स्टे लिए थे यहाँ जिस्पा में। ये था अपना टेंट, इसमें रहे थे हम, अपने को बहुत बहुत ही सही प्राइस से मिल गया था और मिल नहीं रहा था सबसे मेन तो स्टे अपने को रात में। और देखो व्यू देख लो एक बार आप लोग, पूरा जिस्पा पैक्ड था भाई, पूरा जिस्पा पैक्ड था। सब बोल रहे थे कि ले जाने वाले लोग सारे यहाँ पे स्टे लेते हैं ना उसकी वजह से। तो भाई अपने साथ ही टाटा नेक्सॉन और बाहर से मत देखो स्क्रैच है, हमने रेंट कर रखा है ये कार बट परफॉर्मेंस इसका एक नंबर है क्योंकि अभी एक डेढ़ साल का ही हुआ है और 46-47 thousand के आसपास ड्रीवन है ये कार और अपन कल इससे 700 किलोमीटर क्लॉक कर दिए भाई इन अ वन गो। अपन निकले से दिल्ली से रात को 1:30-2 o'clock और कल यहाँ पहुँच गए थे अपन 8 o'clock तक लास्टली, उसमें कि बहुत रुकते मजे करते हुए आए हैं। अरे पानी डलते क्या साइन आ रहा है रे, तो इसको करते हैं और फिर निकलते क्योंकि डारचा बैरियर पे 11 बजे तक ही एंट्री हो रहा है ऐसा बताया भैया ने, ऐसे तो 24/7 ओपन हो चुका है। सो भाई लोग निकलते हैं यार जिस पास से अपन हमेशा लेट ही रहते हैं। बता ना राइट ना, देव गाड़ी नहीं है ना, चलो भाई अब निकलते हैं अपन पदुम के लिए और वहां से निकलेंगे अपन वे टू लद्दाख। तो उसके पहले अपन जयकारा लगा देते हैं, बोला ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
फाइनली वी आर एट द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, डारचा ब्रिज, जो कि यहाँ पे है भाई। और अभी जिसपा अपन क्रॉस कर चुके हैं, डारचा इंटर चेक पोस्ट आगे ही पड़ेगा, और वैसे इंट्री ऊपर होगा, चेक पोस्ट तो वो सामने ही रहा, बट इंट्री ऊपर होता है मेरे हिसाब से। Now we are crossing the Darcha Bridge, the longest bridge of the Himachal Pradesh, as said by Abhishek Bhia. And we are crossing and we are feeling amazing. Bola, yeah! सो भाई फाइनली वी आर एट द डारचा चेक पोस्ट, और यहाँ पे देखो भाई गया एंट्री कराने, अभी तो फुटेज ले रहा था लेकिन वो रहा अभी मन्नू अपना, तो एंट्री करा देते हैं अपन फिर डायरेक्टली सिंकुला टॉप। और यहाँ से सिंकुला टॉप ज्यादा नहीं है, बस आधे घंटे में, हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम इसके बाद ही रेडी रहना स्नो देखने के लिए। गुरु क्या गया नू थाम, और देखो सामने बाइकर्स है और ये सब, ऐसा लाइन लग गया यार, एंट्री होने वाला जगह है तो ऑब्वियसली। फाइनली नज़ारे देख लो, पीछे स्नो पीक माउंटेन्स, और वो चेक पोस्ट पे गए अपने बंदे, सर ने बोला, एक थे आर्मी ऑफिसर, तो उन्होंने बोला गाड़ी आगे पार्क करो सारे जन, क्योंकि वहाँ पे बहुत जाम हो रहा था तो एक लेन जाने का प्रॉब्लम हो रहा था। सो एक चीज़ बता दूँ आपको, ये है सिंकुला टॉप का रास्ता, यहाँ पे देख लो आप सिंकुला सामने, और सरचू ले, अगर सरचू होके जाना है दीपक ताल होते हुए, बारह लाचला पास होते हुए, तो आपको यहाँ से टर्न मारना पड़ेगा और ये वाला रोड लेना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऊपर। और पहले लोग इसी रास्ते से जाते थे, बट अभी बीआरओ ने एक नया रोड बना दिया है भाई अपने लिए, पहले भी था सिंकुला टॉप तक जाने का, बट आगे जो रास्ता था ना पदुम के बाद घूम के जाना पड़ता था लेह के लिए, बट अभी शॉर्ट हो गया एनपीडी के बनने के वजह से। सो बीआरओ ने अचीव किया है भाई, बिग थैंक्स टू बीआरओ, बिग थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी। सो चलो अब इससे अपन नहीं जाएंगे, इससे अपन रिटर्न आएंगे। सो भाई ये पढ़ो और ये समझो, जिसको नहीं समझ में आता ना वो मानो भी और समझो भी। हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर भी एक हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक टाइम आएगा इंडिया माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो यहाँ पे बोर्ड सिंकुला टॉप 39 किलोमीटर, पदुम 143, अपने को आज पदुम तक पहुँचना है, और उसके बाद चिक्का 10, जानकर सुमडो 17 किलोमीटर। सो भाई निकलते हैं भगवान जी का नाम लेके, हर हर महादेव। हाँ कहीं तो कुकिंग करेंगे नदी किनारे, हाँ उधर काम चल रहा है क्या आगे? ओके जी, पानी वानी है इसके लिए लोगों यहाँ पे बसा है, पानी आ रहा है। बहुत खूबसूरत जगह भाई,
बहुत हार्ड वर्क करते हैं यार, ये सब बीआरओ वाले ही होंगे, बीआरओ के ही वर्कर्स हैं। देखो भाई, आंटी को लिफ्ट दे दिया था थोड़ा दूर, 4-5 किलोमीटर के बाद था, और ये सारे बीआरओ के वर्कर्स, सैल्यूट करो भाई, इन्होंने ही सिंकुला टॉप के आगे एनपीडी रोड को जोड़ दिया लेह के लिए हमारे लिए, और इस रोड को भी मेंटेन करते, इवन हिमाचल और लद्दाख का सारा रोड यही बंदे मेंटेन करते हैं। इसलिए लोगों को बसाया यहाँ पे। चलो तो अब से क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? भाई लिटरली बोलूं ना तो लास्ट टाइम क्या था, अपन पंच लेके स्पीति किए हुए हैं, इस बार अपन नेक्सॉन लेके लद्दाख कर रहे हैं। भाई इस इंजन में और पंच के इंजन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पंच कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि अंडर पावर, बट अरे भाई बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि अंडर पावर, सफिशियंट पावर है उस गाड़ी में, लेकिन जो कार इंथुजियास्ट है ना उसके लिए वो गाड़ी बिल्कुल नहीं बना, बस एक प्रॉपर फैमिली पैक है, वो अच्छे से मजेदार हर जगह जा सकती है। इवन हमने स्पीति किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 5 जन के साथ फुल लगेज के साथ किया था। बट नेक्सॉन जो है ना भाई, इसमें पावर फील हो रहा है और ये कहीं भी चढ़ जा रही है भाई इजीली, प्लस उससे कहीं ना कहीं एर्गोनॉमिक्स और इसका डायनेमिक थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, और अगर आप उससे इस पर शिफ्ट करते हो तो थोड़ा तो फायदा है। अगर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पंच का टॉप मॉडल ना लेके नेक्सॉन का बेस या मिड वाला। चलो ज्ञान इग्नोर करते हुए, नहीं यार हम लोग एक बात ऑब्जर्व किया, हम लोग अपग्रेड करते जा रहे हैं गाड़ी, गाड़ी के साथ ट्रिप भी अपग्रेड करते जा रहे हैं, और ये होना भी चाहिए यार। तब क्या नेक्स्ट टाइम कोई और बड़ी गाड़ी लाएंगे इससे। हम एक बार नेक्सॉन में पड़ गया, एक बार लद्दाख कर रहे हैं। और ये रोड दिखाइए जरा कैसा है, ये देखिए, यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो रहा है, होप सो। नहीं आगे था रोड अच्छा, सिंगुला टक तो रोड अच्छा है, उसके बाद रोड फिर खत्म, पूरा ऑफ रोडिंग है पदुम तक शायद से, क्योंकि पूर्ण तक तो मैं कंफर्म हूँ कि ऑफ रोडिंग है, आगे गोंडबो रंजन भी पड़ेगा भाई, मजा आने वाला है आज। चलो चलते हैं और आपको भी मजा दिलाते हैं गुरु। निकालना आवाज पानी पी लो जी। रहा श्रृंखला टॉप की झलक, पूरा स्नो केप माउंटेन है एकदम वहाँ पे पूरा पूरा। बताओ बताओ आज का प्लान बताओ। एक तो मैगी बना सकते हैं अपन गोंडबो रंजन के पास, क्योंकि अपन रुक इसके बाद सिंगुलर टॉप के बाद ही गोंडबो रंजन पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग स्टे लेते हैं रात में कैंप्स लगा के, बट अपन वो नहीं कर पाए तो यही कर लेते हैं, मैगी हो गया तो छोटा बहुत वो कर लेंगे, पिकनिक मन जाएगा, मेमोरीज बनाते हैं। फिर उसके बाद एक आगे में पड़ेगा यार, नाम भूल रहा हूँ मैं थोड़ा, स्क्रीन पे आ रहा नाम छोड़ो, ये बताओ करना क्या क्या है। मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री है, बहुत थोड़ा ट्रेकिंग अगर कर सकते हो बहुत कुछ, जो वो पहाड़ों के ऊपर गया वो करना है वो। हाँ तो वो पी से कुछ तो नाम है, भूल रहा हूँ मैं अभी। हाँ कुछ तो है उसका, नहीं ना वो नहीं, पूगा तो अलग वैली है, वो तो वो जो ग्रीन घास वाला जो है ना, वैसे घास को याद है, घास इसको याद नहीं रहेगा तो किसको याद रहेगा भाई को, तुमको ज्यादा खाना सर। नहीं तो हम मेरे वाले केस में थोड़ा और कुछ भी रहता है ना, हम क्या खाता है, चाय बनाना हम जो क्या खा देखते क्या अभी अभी तो अच्छा बेटा ले ला जा मजा कोई ना। तो भाई वेलकम अस टू जानस्कार सुमडो, और यहाँ पे छोटा सा बैरिकेटिंग है आर्मी का है कि क्या पता नहीं, बट यहाँ पे देखो स्नो कटर क्या प्रभाकर, ये अपन हम वीडियो में देखा करते थे रवीश कुमार केजरीवाल जी के साथ। ये है काटता हुआ बर्फ को, एक और आ रहे हैं रगड़ के जैसे फेंक देता है, इधर से बर्फ फेंकता है, आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारा ये चीज। तो ये स्नो कटर अपनी वहाँ पे पार्क है, अकेले की फोटो लो मेरी, हटो हटो सब हटो गरीब लोग, रवीश कुमार और केजरीवाल जी के बीच अरे हम क्या बोले थे, अभी ठीक करके देता हूँ, क्या अभी ठीक करके देता हूँ, तू सोजा भाई सोजा सोजा भाई, यू फोटो ले यू हुए सोचते हुए ये ठीक कैसे करूँगा।
चला जाए अब। चला जाए कहाँ? सिंकुला टॉप। एक क्रेटा वाले भैया थे दिल्ली से ही, दिल्ली का नंबर हमारा देख के उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि नहीं क्रॉस कर पाएगी ये गाड़ी, 4x4 ही सीख कर पाएगी, बट एक यहाँ के लोकल है उन्होंने बोला कि अल्टो कर जा रही है आपकी भी कर जाएगी, तो देखते हैं आपको अपडेट किया जाएगा सारा चीज। और हमारे पास प्रो ड्राइवर तो है ही हमारे पास, देखते हैं वो क्रॉस करने के बाद हम बोलेंगे। हाँ कुछ बोलेंगे अभी भाई, कुछ सोचे नहीं है लेकिन करेंगे। सब अपडेट किया जाएगा कहाँ से जा रहे हैं। सेकंड वाले चांस पे लग रहा है आनंद ज्यादा स्टिक किया हुआ। अभी अपन अचीव करेंगे भाई पूरा हेयर पिन कॉप्स जाएगा आगे, पूरा हेयर पिन कॉप्स और अपन अब अचीव करेंगे एल्टीट्यूड, क्योंकि सिंगुला का हाइट है अप्रोक्स 16,500 फीट। ये हमारा अब तक का हाईएस्ट होगा। हाँ जो हमने पास अचीव किया अभी तक। तो भाई देखो बीआरओ के वर्कर्स भाई अभी ये नीचे थे कैंप लगा के बहुत दिनों से, बट अभी अब जा रही है सिंकुला से आगे, कुछ तो होगा काम उधर चल रहा होगा उसके लिए। और सैल्यूट देख ही रहे ना, दिखा ही दे रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, दिखा ही दे रहा हूँ। गट्स चाहिए, गट्स भाई, बहुत हार्डवर्क है भाई, बहुत हार्डवर्क। अपन सोचते एसी में बैठ के साला हम ही कर रहे हैं मेहनत, दिखो इनको। भाई लोग सिंकुला से थोड़ा ही पीछे है और यहाँ पे क्लियर पता पड़ रहा है कि हाइट अचीव कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सामने ना देखो एक स्कॉर्पियो एन जा रही है अपने जस्ट सामने, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ जाना सामने देखो भाई, भाई जन्नत है ये सब जगह, और जिसको ड्राइविंग से प्यार है उसके लिए तो और ज्यादा। ठंड में बंद हो जाता होगा ये रास्ता? नहीं ये खुला रहेगा, अब तो पूरा बर्फ जम जाता होगा ना, बर्फ तो आएगा स्नो चेन के साथ, लेकिन अब यही तो, अब इसके लिए ही तो ये रोड बना है। ठंड में बर्फ में कार, कल जब अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था तो 15 का माइलेज दे रही थी, मेरे ड्राइविंग पे वो दिया था 13 के आसपास। और भाई साहब अभी जब अपन हाइट अचीव कर रहे हैं और इतने ज्यादा पहाड़ों में घूमने लगे तो 9.5 का माइलेज आ गया। अब सोच लो नेक्सॉन से अपन 9.5 का माइलेज निकाल रहे हैं इन पेट्रोल, समझ लो भाई समझ लो। ग्लेशियर से पानी गिर रहा, गिर के आ रहा है भाई, बहुत ठंडा पानी है। और देखो इनोवा हाई क्रॉस क्रॉस कर रही है इसको, अभी अपना 4 एक्सप्लोरर जाएगा स्कॉर्पियो वैन, फिर उसके बाद अपना नेक्सॉन भी जाएगा यहाँ से। देखो स्कॉर्पियो गेटवे भाई, देखो गाड़ियाँ वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल करते हुए, एक सच में बाइक से करना टफ तो है यार, मानता हूँ मैं ये भी। मन नहीं कर रहा सच में, ज्यादा बोलने पे सांस फूल रही है यार। सो फाइनली वी रीच्ड एट द माइटी सिंकुला टॉप 16,580 फीट। ओ भाई ये क्रॉस करना मैं